अगर आपके भी परसेंटाइल है 80 से प्लस है, 60, 70, 80, 40, 50 तक आपके परसेंटाइल है, देन दिस वीडियो इज बेनिफिटरी फॉर यू। क्योंकि हमने टॉपर्स वाली तो वीडियोस बना चुके हैं कि यार को अगर किसी के अच्छे आ गए तो NITs मिल जाएगा, बट वॉट अबाउट द मेजर पोर्शन ऑफ द पीपल जिनके 80 परसेंटाइल से कम आते हैं। तो टुडे इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉर यू इफ़ यू आर विथ लो परसेंटाइल। तो लेट्स जंप इनटू इट। तो मेजर फैक्टर बता दें, जो भी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ मैं पर्सनली, यहाँ पर फीस को भी देखा गया, ROI को भी देखा गया, दैट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी देखा गया, हमने उसको भी देखे, दैट इज प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट और जो रेशियो बनता है उसको भी देखे, कैंपस लाइफ या ब्रांड नेम, ये सब चीज़ों मतलब मेजर फैक्टर्स आते हैं। तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो किसी के लिए लोकेशन प्रेफर्ड हो सकती है, तो आपको वो लोकेशन वाइज आपको पसंद नहीं आया लिस्ट हो सकता है। तो ज़्यादा देर नहीं करते, हम सीधा पहुंच जाते हैं वीडियो पे। तो नंबर वन, तो बेनेट नोएडा एक ऐसा कॉलेज है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। फीस या काफ़ी ज़्यादा महंगी रहती है, दैट इज 70 to 80 lakhs की फीस रहती है, और पैकेज भी ठीक ठाक एवरेज में, दैट इज 7 to 8 lakhs। नई नई यूनिवर्सिटी, टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर है उन्हीं का यूनिवर्सिटी है, और इस वजह से इनका ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी है, और ये रीसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, दैट इज़ अभी अभी का कॉलेज है। तो आपको अगले मतलब जो ग्राफ है वो इस तरह बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये एक हो सकता है। द सेकेंड नंबर का कॉलेज है, दैट इज़ आपका आता है मणिपाल जयपुर। अब मणिपाल जयपुर को भी आप टारगेट कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके अगर परसेंटाइल कम है, हम यहाँ पर लो परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, थापर वगैरह का हम डिस्कस नहीं कर सकते, थापर इंस्टीट्यूट को, क्योंकि वो ज़्यादा हाई परसेंटाइल लेते हैं, बट अगर ट्वेल्थ बेस पे जाने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, तो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा, आप जा सकते हो उस वे में भी। तो कमिंग टू द वीडियो, हम बात कर रहे थे किसकी, MIT जयपुर की। तो MIT जयपुर की भी काफ़ी कॉस्टली फ़ीस रहती है, 16 to 18 lakhs विदाउट हॉस्टल फीस रहती है आपकी 4 साल की बीटेक, और यहाँ पर भी पैकेज या सेम देखने मिलता है 7 to 8 lakhs। तो ब्रांड वैल्यू काफ़ी हो जाती है MIT की, और MIT का अगर वीडियो हमने बना के रखा है एक बार कॉलेज रिव्यू में, चेक कर लेना, और चीज़ डिस्कस की थी कि आप फॉरेन में कैसे एजुकेशन ले सकते हो, तो जस्ट चेक इट आउट दैट वीडियो टू। उसके बाद आता है हमारा MP का कॉलेज, दैट इज़ JUT गुना। 8 से 10 lakh की फ़ीस है, डिसेंट नंबर्स है, 5+ का आपको LPA का आपको पैकेज देखने मिल जाता है। हमने MP वाली वीडियो पे भी कवर किया था टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ MP। तो यहाँ पर मैं एक और सजेशन मानूंगा, अगर पर्टिकुलरली आपको किसी स्टेट की वीडियो बनवानी हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ नेक्स्ट कॉलेज आता है अनदर कॉलेज फ्रॉम द MP, दैट इज़ VIT भोपाल। नाउ VIT भोपाल की भी फीस लगभग उतनी रहती है, 8 से 10 lakh, और आपको करीब करीब यहाँ पर पैकेजेस जो है वो भी लगभग एक सा देखने मिलता है, दैट इज़ 5 lakhs पर एनम, और ठीक है डिसेंट पैकेजेस मिल जाते हैं आपको। नाउ नेक्स्ट कॉलेज आता है चितकारा यूनिवर्सिटी। चितकारा यूनिवर्सिटी और जितने भी कॉलेज अभी बता रहा हूँ ना, दो चीज़ें ध्यान रखना कि आपको इन कॉलेजेस के लिए कहीं आपको एजुकेशन लोन की ज़रूरत तो नहीं है, और अगर उस तरह की ज़रूरत पड़ रही है तो पूरा थोड़ा सा लास्ट में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आप इस तरह की अगर आपके पास इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो कौन से कॉलेजेस और हैं, या फिर कौन सी कैटेगरी में कॉलेजेस हैं जिनको आप अफोर्ड कर सकते हो विदाउट दैट एजुकेशन लोन। नाउ मूविंग टू इट, हम आते हैं फिर से चितकारा की बात करें, 6 to 7 lakhs की आपकी कुछ BTech की फ़ीस रहेगी, और पैकेजेस आपको करीब करीब आपको पैकेजेस करीब करीब 4.5 lakh पर एनम का आपको देखने मिल जाते हैं, ये एवरेज पैकेजेस हैं। नाउ नेक्स्ट आती है दैट इज़ चंडीगढ़ एंड अमेठी की। सेम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो चंडीगढ़ एक नेक्स्ट नंबर का कॉलेज आता है, दैट इज़ फीस समथिंग या 6 to 7 lakhs आपको देनी पड़ेगी 4 years की BTech की। नाउ और उसके बाद आपको 4 lakh समथिंग का आपको एवरेज पैकेज देखने मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आता है दैट इज़ आपका अमेठी नोएडा। ठीक है, अमेठी के बहुत से मीम्स बने हैं और अमेठी के वो न्यूज़ सच में सही हैं, एक में हम भी अटैच करेंगे ज़रूर। 11 से 13 लाख की फ़ीस रहती है, नोएडा है तो इसलिए बेनिफिट मिल जाता है, नोएडा एक हब टाइप बोल सकते हैं हम जॉब्स के लिए, और आपको भी एवरेज पैकेज करीब करीब 4.5 आपको देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेटर तो नहीं पर ठीक है, आप ROI इधर पर एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलेज आता है LPU, दैट इज़ द कॉस्टली वन, 15 to 16 lakhs की आपकी फ़ीस लग रही होती है, और पैकेज यार इतना अच्छा नहीं है, दैट इज़ 4 lakhs पर एनम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आते हैं AKJEC, ओनली फॉर गर्ल्स है, दिल्ली में ये कॉलेज है, फ़ीस काफ़ी ठीक है, 4 से 6 lakh की फ़ीस लग रही है, तो पैकेज भी इतना खासा नहीं है, 3.5 lakh का पैकेज देखने मिल जाता है। उसके बाद SRM यूनिवर्सिटी भी काफ़ी महंगी यूनिवर्सिटी पड़ जाती है, 18 से 19 lakh एटमोस्ट आपको देखना पड़ जाएगा, और 3.75 से 4 lakh तक का आपको कुछ पैकेजेस देखने मिल जाते हैं। शिवनादर एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन भी बोल सकते हैं,
8 से 10 लाख की फीस है साउथ का कॉलेज, और यहाँ पर आपको 5 लाख का कुछ मीडियम पैकेज देखने मिल जाता है। अब शिवनादर में क्यों अलग अलग है, क्योंकि एवरेज पैकेज करीब 7 चला जाता है, बट इसको ऊपर क्यों नहीं रखे, क्योंकि यार इस कॉलेज में वैसे भी सीट्स कम है, ठीक है, ज़्यादा सीट्स होना भी बहुत दिक्कत है किसी भी कॉलेज के लिए, और कम सीट्स होना भी दिक्कत है समझ आती है, तो काफ़ी कम सीट्स हैं, प्लस इनमें से काफ़ी परसेंटेज अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फॉरेन स्टडीज़ एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा मेजर, तो इस वजह से और भी बच्चे कम हो जाते हैं, मतलब जो प्लेसमेंट में नहीं बैठते, तो इस वजह से उनका थोड़ा सा समझ जाओ एवरेज पैकेज इसी वजह से हाई चला जाता है, बट ठीक है, अच्छा है। नाउ नेक्स्ट आता है ग्राफिक एरा, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कॉलेज, 12 से 13 लाख फीस है, पर नंबर्स इतने अच्छे हैं कि आप इसमें एडमिशन ले सको, दैट इज़ 5 लाख का आपको एवरेज पैकेज देखने मिल जाता है। नेक्स्ट कॉलेज आता है अमृता यूनिवर्सिटी साउथ का कॉलेज, 18 लाख की कुछ फीस है, 3.5 का पैकेज मिलता है, बट इसको शायद तो मेरे ख्याल से एलिमिनेट करने वाला कॉलेज है, क्योंकि आपको इतने ऑप्शन ऊपर के देखने मिल जाते हैं, ज़्यादा बेटर है। और कुछ और भी यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक साउथ की हो गई, अन्ना यूनिवर्सिटी हो गई, शास्त्री यूनिवर्सिटी हो गई, आपके नेक्स्ट एक और सत्यभामा यूनिवर्सिटी हो गई, ये भी मतलब एक डिसेंट फीस रहती है और डिसेंट पैकेज भी आपको देखने मिल जाएगा, बट साउथ वाला जो सीन है वो थोड़ा सा आ जाएगा। प्लस अब मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन कॉलेजेस के लिए आपको एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने मतलब मम्मी पापा पर ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे इन कॉलेज की फीस देखते देखते, मेंटली आपको प्रेशर करेगा 4 साल बाद, देन डेफिनेटली आपको इन कॉलेजेस में नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली ये वाले जो कॉलेजेस हैं वो आपको ब्रांड नेम दे देंगे अदर देन कुछ कॉलेजेस, है ना, तो इस वजह से आपको बेनिफिट करेगा, बट प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो आप इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। देन आई हैव अ ऑप्शन फॉर यू, ट्राई लुकिंग फॉर दैट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, क्योंकि स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा फीस कम रहती है। स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का मतलब है, अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा में कुछ कॉलेजेस होंगी जो आपके स्टेट के हैं, आपके स्टेट लेवल पे काउंसलिंग होती है उनकी, तो उन कॉलेजेस पे जाने की कोशिश करो, बेस्ट आप देखने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी मेहनत आप इन कॉलेजेस में जाने की कोशिश करोगे उतनी मेहनत में आप अपने टॉप इंस्टीट्यूट पर पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको करीब करीब 80% मतलब आपकी 1.5 लाख 2 लाख तक रैंक में आपको ये कॉलेजेस ट्राई कर रहे हो, देन डेफिनेटली टॉप का आपको मिल जाएगा वहाँ पर, दैट इज़ आपका स्टेट में। तो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस भी काफ़ी रहेगी, 4 से 6 लाख में आपकी बीटेक हो जाएगी, और पैकेजेस भी करीब करीब आपको 4.5 से 6 लाख तक आपको वेरी करते हुए देखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और बाकी आप मेरे को बता सकते हो अपने स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अगर लिस्ट बनवानी किसी भी स्टेट की, देन आई वुड रिकमेंड कि आप कमेंट सेक्शन में जाए टाइप करो ये चीज़, एंड कुछ ही दिनों में आपको वो वीडियो मिल जाएगा विद द डीप रिसर्च। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन प्लीज हैव अ गुड डे। और प्राइवेट कॉलेजेस की कुछ और प्लेलिस्ट हमने राइट साइड वाले जगह पर देख रही होगी, तो चेक इट आउट। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज हैव अ गुड डे, बाय बाय।